हेलो गाइस, वेलकम टू टेल मसाला। वेल, आज के सलोन टाइम में मेरे साथ है बहुत ही अमेजिंग एक्टर एंड अ डियर फ्रेंड राजीव पॉल। गाइस प्लीज वेलकम। हेलो, वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर विद यू नेहा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन टेल मसाला। आई एम सो हैप्पी दैट वी आर फाइनली डूइंग दिस सलोन टाइम विद यू। एब्सोल्युटली माय प्लेजर। वी आर एट क्यूटेस्ट सलोन, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, क्या करवाने वाले हो, क्या सोचा है कुछ? एक्चुअली I haven't really thought of anything. Let's see. मैंने यहाँ के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, तो यहाँ पे जो कंसल्टिंग डॉक्टर होंगे उनसे बात करते हैं। आई एम श्योर चांद में भी दाग होते हैं, उसको भी निकाला जा सकता है और खूबसूरती को और निखारा जा सकता है। उसकी बात तो खैर करेंगे ही, बिग बॉस की भी बात करेंगे, बिकॉज हम ऑफ कैमरा बात करते हैं कि आप फॉलो कर रहे हो, तो ऑफकोर्स बहुत सारी बातें होंगी। फिर शुरुआत चल रहा है यार, ये सीज़न 13 सबसे टेढ़ा। शुरुआत करते हैं, मिलते हैं डॉक्टर से, चलिए। So over to you guys. Yeah. So how do you like Cutest? Yeah, it's looking very nice. I'm hoping that the treatments will be good and lasting. Yes. So what we can do is right now, I see your skin is a little bit oily. Have you applied anything? Your regular deep cream. That's it. Otherwise, it tends to be dry. Yeah. Okay. Dry tomorrow. And do you have any other specific areas that you want to address? Wow. So good, yeah. So do you feel or kuch hai jo aur address karna chahiye? See, I haven't done anything, any kind of treatment usually actors karte hain. So whatever is natural, because I believe in being natural. So do aapko lagta hai ki anything that can help me? So we won't freeze any of your expressions. Absolutely. But we'll give you a slightly tighter, fresher look. Cool. So okay. I'll leave that to you. Yes, we'll go ahead with that. Okay? So now I'm going to change and we'll start the treatment and let's see if you guys make out the difference. यार मैं तो यहाँ आके लेट गया, इन्होंने बहुत सारे फेशियल एंड मास एंड सम मशीन्स दे यूज्ड, सो फेल्ट वेरी गुड एंड इट वाज एक्सट्रीमली रिलैक्सिंग। दो इट्स नॉट अ ब्यूटी ट्री, इट्स मोर लाइक अ क्लिनिकल थिंग देन जस्ट अ ब्यूटी थिंग और जस्ट अ पार्लर काइंड ऑफ अ थिंग। दिस इज मोर क्लिनिकल, सो इट फेल्ट वेरी गुड एंड आई डोंट नो हाउ एम आई looking, I don't know if you can make out any difference, but it's feeling nice. Okay.
look fresh, of course. Normally skin को लेकर you know being an actor बहुत ज़्यादा makeup होता है 12-12 घंटे when you shoot. तो skin को लेकर क्या आप you know घर पे कुछ करते हो? I usually for me most important thing is हम सबको कहीं ना कहीं पे चीज़ें पता होती हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, हमारे जहन में होती हैं बातें. तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपने आपके मम्मी पापा आपके दादा दादी नाना नानी बताते होंगे कि पानी पीना चाहिए, लेकिन पानी कैसे पीना चाहिए. अगर आपके घर में तांबे का लोटा है, तांबे का जग हो, वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए. उसमें आप पानी रखें और उसमें से जब जहाँ तक हो सके उससे पानी पिए. और अगर आप गाड़ी में भी यूज़ कर रहे हैं, आप कार लेके जाते हैं, तो प्रेफरेबली यूज़ ब्रास बॉटल्स. दैट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, इट ओवरऑल हेल्प्स यू. पानी बहुत ज़रूरी है, सही वक्त पे सोना वो बहुत ज़रूरी है, और जनरली अपने फेस को क्लीन रखना वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप जब सुबह जगते हैं तो सबसे पहले फेस वॉश, और रात को सोते टाइम ज़रूर फेस वॉश करें. उसके बाद जो भी आपकी स्किन टाइप है, ड्राई या ऑयली, उसके अनुसार आप स्किन क्रीम्स यूज़ करें. और अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आप ज़रूर किसी कंसर्न डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट से या ब्यूटिशियन से पूछ के फिर उन तरह की चीज़ों का यूज़ करें. सो दिस इज़ व्हाट आई यूजुअली फॉर. सो बहुत रिलैक्स हो गया हूँ, अब मैं वापस ज़रा अपने रंग रूप में आ जाता हूँ और फिर आपसे बातें कंटिन्यू करते हैं. So I hope you enjoyed your treatment, Rajeev. Absolutely, yeah, very relaxing and refreshing. Yeah. वही Big Boss की बात करें तो you've been in the house, Rajeev. आपको पता है किस तरह की vibe होती है उस घर की. तो अभी कितना enjoy कर रहे हो आप, और अभी कौन लगता है, कौन सा contestant है जो आपको सबसे ज़्यादा you know लगता है कि head strong है, वो जाएगा अंत तक? अब यू नो एक चीज़ है, सब लोग बिग बॉस देखते हैं और सब उसके बारे में कमेंट करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में गर्मी होती है, सर्दी का सीज़न होता है और बिग बॉस का सीज़न होता है, बारिशों का सीज़न होता है. वैसे ही बिग बॉस एक एनुअल फीचर बन चुका है हिंदुस्तान का, और सब लोग देखते हैं और सब कहते हैं इस बार बहुत गंदा है, लेकिन सब देखते हैं. फिर कहते नहीं अब हम नहीं देखेंगे, अरे उसका क्या हुआ, इस बार कौन गया. सो एवरीबडी इज़ वेरी इनग्रॉस्ड इन, क्योंकि ये एक ही ऐसी चीज़ है सबको, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में एक फीलिंग होती है सबको कि हमारे नेबर के घर पे क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कितने बजे आए थे, अरे उनके घर में नई गाड़ी आ गई है. तो वी आर वेरी क्यूरियस पीपल, हम लोगों को दूसरों की चीज़ों में घुसने की आदत है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगती कोई हमारी ज़िंदगी में घुसे. तो बिग बॉस एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप एक घर के अंदर जहाँ कांच के दरवाजे हैं, जहाँ पर पूरा हिंदुस्तान उस घर को देख रहा है, और उस घर के घर वालों को कि ये अच्छा है ये बुरा है, अपने अपने हिसाब से लोगों के फेवरेट्स बन जाते हैं, और वो घर बहुत स्ट्रेसफुल होता है. एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस बार जो ये शूट हो रहा है वो हमारे जहाँ पे जीजीमा शूट होता था उसी सेट पे बिग बॉस का सेट लगा है, और जो हमारे जीजीमा के जो जय और किनरी के लिए जो वास्तु करते थे वही जेंटलमैन बिग बॉस की भी वास्तु करते हैं. तो उन्होंने मुझे पर्सनली बताया था कि बिग बॉस में जब हम वास्तु करते हैं, लाइक व्हेन ही यूज्ड टू कम ऑन द सेट्स ऑफ जीजीमा, तो वो बताते थे कि भाई यहाँ पे ऐसे कर लो तो थोड़ा सा ये शो के लिए अच्छा होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे. और बहुत स्मूथली हमारा शो गया था, और इट वाज वेरी पीसफुल, नाइस, इंटरेस्टिंग, एंड वी डिड अ वेरी गुड जॉब, लाइक ओवरऑल शो वेंट ऑफ फॉर क्वाइट सम टाइम. तो आई आस्क्ड हिम कि जब आप बिग बॉस के लिए वास्तु करते हो तो ये सिर्फ मैं सब उल्टा करता हूँ, क्योंकि जब मैं भी था घर में और वो काफ़ी सालों से कर रहे हैं, आई फॉरगेट दैट जेंटलमैन्स नेम, तो हर चीज़ गलत तरीके से होती है, पानी गलत जगह पे होगा, अग्नि का स्थान गलत होगा, एंट्री अलग होगी. इसीलिए उस घर में कभी भी आप कितने भी पीसफुल क्यों ना हो, आप पीस से रह नहीं सकते. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोगों को नहीं पता होता. लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता कोई भी इतना लड़ता होगा जितना उस घर में जाने के बाद लड़ते. लाइक यू नोन मी फॉर सो मेनी ईयर्स, लोगों को कई बार ऐसा लगता था कि राजीव बिग बॉस में क्या कर रहे हैं, बिकॉज उसके पहले और बाद में कभी भी लोगों ने उस तरह का बिहेवियर नहीं देखा है. सो ऑब्वियसली यू कैन सेफली कंक्लूड कि यार ऐसा नहीं है. मुझे नहीं लगता सिद्धार्थ जिस तरह से जितना एग्रेसिव शो में नज़र आ रहा है, ही इज़ नॉट लाइक दैट इन रियल लाइफ. ही इज़ अ वेरी चिल्ड आउट गाय, काम गाय. आई मेट हिम सेवरल टाइम्स एट पार्टीज एंड ऑल. ही इज़ अ चिल्ड आउट गाय. आई डोंट नो मोस्ट ऑफ द पीपल, बट आरती इज सच अ कूल गर्ल. शी इज़ लाइक आरती और कृष्णा दोनों बहुत ही काम, ठंडे, पीसफुल लोग हैं. यहाँ पे हमें अलग रूप देखने को मिल रहा है. रश्मि एब्सोल्युटली मतलब
बड़ी मुश्किल से बात भी करती है और बहुत सॉफ्ट स्पोकन नाइस गर्ल है, बट अगेन इन द हाउस आई एम ग्लैड एटलीस्ट वो चीज़ों के बारे में बोल रही है. सो यस, बहुत अलग स्ट्रेस बहुत सारे होते हैं तो इसलिए लोगों का अलग रूप देखने को मिलता है. दिस इज़ व्हाट इज़ माय ओपिनियन फॉर द हाउस. सिद्धार्थ और रश्मि शो की शुरुआत हुई तब उनके रिलेशनशिप को लेकर चर्चे थे. अब रश्मि और अरहान, यू नोन रश्मि, यू गाइस हैव बीन इन द इंडस्ट्री, रश्मि और अरहान के रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या लगता है? यू नो, जितना हम देख रहे हैं अरहान को उतना ही जानते हैं हम भी, पर यू नो रश्मि पर्सनली. आई नो रश्मि बट आई हैव नेवर मेट अरहान, आई डोंट नो हिम एट ऑल. मुझे कभी इनके रिश्ते के बारे में नहीं पता था. इनफैक्ट जब रश्मि बिग बॉस में जा भी रही थी तो मैंने पूछा था रश्मि से, वी हैड अ कॉन्वर्जेशन बिफोर शी लेफ्ट, तो फॉर वट एवर रीज़न शी डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट, विच आई रिस्पेक्ट एंड आई वुड ऑलवेज लव रश्मि, रिस्पेक्ट रश्मि, शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल. लेकिन जो एज एन ऑडियंस जो मैं देख रहा हूँ अरहान का चीज़, जो अभी रिसेंटली रश्मि के भाई भी आए थे और उन्होंने भी वो, उनको भी वही बातें हर्ट करी जो एज एन ऑडियंस हमें हर्ट करी, बिकॉज सलमान भी एज अ पर्सन, एज अ पर्सनल फ्रेंड रश्मि को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एंड शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल. आई डोंट नो जो अरहान ने बात बोली कि वो सड़क पे थी. रश्मि स्टेज इन रुस्तम जी सिंस सो मेनी ईयर्स, शी कैनॉट बी ऑन द रोड्स. शी मे हैव गॉन थ्रू प्रोफेशनल लोअर हाई, जो कि हम सबकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन रश्मि देसाई इज़ अ वेरी बिग नेम ऑफ टेलीविजन. शी इज़ बीन वर्किंग कंसिस्टेंटली सिंस सो मेनी ईयर्स. तो एक पैच ऐसा आ सकता है कि शायद आपने 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल काम नहीं किया हो, जो कि हमारी इंडस्ट्री बहुत कॉमन सी चीज़ है. कई बार आप काम नहीं करते क्योंकि आपको रोल्स अच्छे नहीं मिलते, कई बार आपके तरह के रोल्स नहीं आ रहे होते, सो इट्स वेरी नॉर्मल. लेकिन रोड पर आ जाना, और अगर ऐसी कोई किसी वजह से ऐसी सिचुएशन हुई भी, तो उसको इस तरह से आप किसी को प्यार करते हो, किसी तो प्यार का मतलब होता है इज्जत भी करना, तो जिसकी इज्जत करते हो उसके लिए आप किसी अनजान व्यक्ति को बताओगे कि मैंने इसको, ये सड़क पे थी और मैं लेके आया, मेरी नज़रों में उस इंसान के लिए इज्जत नहीं है. और जो सलमान ने मेरे ख्याल से कई बार ऐसा होता है कि सलमान, हमें लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं. सलमान ने खुद मुझे बताया था कि यार कई बार मुझे नहीं बोलनी होती है चीज़ें, लेकिन स्क्रिप्टेड होता है जो सलमान का पोर्शन होता है, तो जो जनता के दिल में सवाल होते हैं वो उनको बोलने पड़ते हैं. सो आई एम श्योर बिग बॉस अथॉरिटीज़ को ये बात पता लगी होगी कि भाई अरहान इज़ मैरिड एंड विद अ चाइल्ड एंड रश्मि डजेंट नो, तो सलमान ने बात, अच्छा हुआ पूरी दुनिया के सामने बात कही. एंड इट वॉज़ वेरी स्ट्रेंज, अगर आप 2-3 साल से किसी को जानते हो और उसके बारे में ये तक जानते हो कि वो सड़क पे आ गई है अकॉर्डिंग टू यू, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, दैट मीन्स रश्मि सच अ क्लीन हार्टेड गर्ल, उस वो अगर किसी इंसान से प्यार करती है तो उसने ये भी बताया कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त शायद ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपने बारे में कितनी ओपन रही, बिकॉज शी इज़ अ वेल नोन पर्सन, सो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी लोगों को पता था. लेकिन आप अगर कहीं से आए हो और आपके बारे में लोगों को नहीं पता है, तो इट्स योर ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग इन एनी रिलेशनशिप, कोई भी जो ऑडियंस भी ये शो देख रही है, कोई भी दो लोगों का अगर रिश्ता शुरू होता है, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन हैविंग बीन मैरिड बिफोर और हैविंग अ चाइल्ड बिफोर. गलत वो नहीं है, गलत ये कि आपने उस पूरे किस्से को छुपाया और लड़की के बारे में सब कुछ जाना. इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. फॉर मी आई डोंट हैव वॉट एवर बी द रीज़न, 2-3 ईयर्स अ लॉन्ग टाइम. आप एक बार बोल सकते हो कि यार एक बात है, क्योंकि आपको लगता है कि उस बात से शायद रिश्ता टूट जाए, और आप यहाँ रिश्ता बना लो, कल को आपने लड़की से शादी कर ली बिना ये बात बताए, और बाद में रश्मि को ये बात पता लगती, तो इट वुड हैव बीन टेरिबल. आई दिस इज़ रियली हर्ट मी एंड आई वुड वॉन्ट टू टेल रश्मि कि प्लीज़ टेक योर टाइम, प्लीज़ डोंट गेट इन टू समथिंग, जस्ट डोंट जम्प इन टू समथिंग, यू कम आउट एंड देन टेक अ कॉल पीसफुली. लास्टली, टॉप 3 में किसे देखते हो आप? आई नो लॉट ऑफ पीपल वुड हेट इट, बट सिद्धार्थ के लिए जो मैं देखता हूँ, बहुत लोग उसे पसंद करते हैं और बहुत लोग उसे हेट करते हैं. आई पर्सनली फील कि ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु, जैसा वो दिख रहा है टेलीविजन पे इस वक्त, क्योंकि सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल होता है वहाँ पे. अगर 15 लोग हैं शो में, 5 आपको पसंद नहीं करते, 5 को आप पसंद नहीं करते, और वो जो 4-5 बचते हैं उन्हीं में से आपको दोस्त चुनने. तो उसकी पहले आरती से दोस्ती थी, फिर असीम से थी, फिर ये शहनाज से दोस्ती है, कुछ हद तक पारस से है, लेकिन वो रिश्ते रोज़ बदलते रहते हैं वहाँ पे सिचुएशंस के हिसाब से.
तो आई थिंक सिद्धार्थ डेफिनेटली टॉप थ्री में रहेंगे. देन अनदर पर्सन हु हैज़ कम अप द रियली हार्ड वेज असीम, लाइक इट और डोंट लाइक इट, बट असीम इज़ हेयर टू स्टे एंड ही इज़ गिविंग वेरी टफ कॉम्पिटिशन टू सिद्धार्थ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग because he was absolutely nobody knew him before the show, and first day pe Salman uske sath masti kar rahe the, and I think he is a likable character. I personally feel Shehnaz is artificial. Mujhe lagta hai ki itni innocent, jo ya to aap innocent hote ho ya nahi hote ho, you can't be one day innocent, one day smart, one day aggressive, one day soft. To mujhe lagta hai wo ya to कमज़ोर दिमाग है या फिर बहुत शानी है, जिसको बोलते कि बहुत ओवर स्मार्ट है कि आप दिन भर कभी सलमान के सामने आप बहुत क्यूट बनते हो, फिर आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो. सो दैट इज़ नॉट द रियल कैरेक्टर. द रियल पर्सनैलिटी ऑफ शहनाज इज स्टिल टू बी सीन बाय मी. सिद्धार्थ जो भी है एटलीस्ट रियल है, असीम रियल है, रश्मि रियल है, आरती पहले बहुत लॉस थी, शी इज़ एटलीस्ट ट्राइंग टू, she is the kind of person who doesn't want to offend anyone, which is fair. वो artificial नहीं है, मुझे शहनाज artificial लगती है. तो मगर फिर भी शहनाज को काफ़ी लोग पसंद करते हैं. I think these three are definitely in top three. अगर रश्मि अपना stand clearly लेना शुरू करे तो रश्मि को पहले मुझे लगता था कि रश्मि definitely जीतेगी, लेकिन क्योंकि वो अरहान वाली situation में थोड़ा सा दब गई, परेशान हो गई, एंड इट्स नॉट नॉर्मल फॉर अ पर्सन लाइक शहनाज टू बी, रश्मि टू बी देयर विथ हर सपोजिटली गाय, और उसकी बारे में कितनी चीज़ें नहीं पता थी पता लगना, तो शायद इस वजह से रश्मि के ऊपर असर पड़े. सो दीज आर टॉप थ्री फोर पीपल फॉर मी. ओके, थैंक यू सो मच राजीव यहाँ पर आने के लिए, क्यूटेस्ट सैलून में आने के लिए. So we have a small token of love from doctor. This is from Cutest for thank you. Thank you so much. So there's a chocolate scrub in this that you can use once or twice a week. Okay. And this is a face cleanser that you can use once in the morning and evening. That's all. Rest of the times if you want to cleanse, just use plain water. All right. All right. Thank you. You're welcome. Thank you.